नाम से ही तू ही तीन लोक सिरताज पानी से पैदा करे हर बड़े गरीब नवाज नगर मदीने नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज आपके सामने जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से पंडित माया राम का बना है मशहूर सांग धरु भगत आपके सामने सुना जा रहा है। तो सुनिए, अवधपुरी के रहने वाले राजा उत्तान पाठ, जिसकी रानी का नाम सुनीति था, वृद्ध अवस्था हो जाती है दोनों की, लेकिन संतान को नहीं थी महाराज के, इसलिए रानी उदास और फिक्र में रहती है। एक दिन का जिक्र है, अवधपुरी में नारद मुनि का दौरा हो जाता है, रानी के रंग में लोमच पहुंच जाता है। इव रानी और नारद मुनि आपस में बातें करते हैं, यहां से सांग शुरू होता है। श्रद्धा करके जोर से गौ माता के जय बोले, बस श्री गौ माता की। नवलांडी राग दी, और बताओ। हाँ, और बताओ भाई। बस श्री गौ माता की धमाके। तू नहीं बोलता, बहुत पछेता वैसे तू है। आई बढ़िया बोल रहा हूँ, सारे हम पहले आ रहे हूँ तो। इम का जो नहीं बोला वही बात कुर्सी बोला वही अपनी बहू का बेटा। अरे किसी का बहू नहीं हो तो वो मेरा। जोर से बोलिए, बस श्री भारत माता की। तो सजनो, नारद मुनि और बड़ी रानी सुनीति क्या बातें करते हैं आपस में और क्या कहते हैं सुनिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भो, पुत्रवती भो। महाराज, ये आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे? देखिए बेटी, जब भी मैं मृत लोक में घूमता हूँ और जब भी मैं तुम्हें अपनी दबे दृष्टि से देखता हूँ, तभी आप उदास मित्र हुए, क्या कारण है? महाराज, इसका बहुत ही कड़ा कारण है। क्या कारण है बेटी? मेरी बात सुनिए, जरा खोल के बताइए। रंग महल मेरे नहीं हो हुई संतान पियाजी की अगति बेल चले
दिन का मेहमान आखिरी में सज के खेले चले ओ बाबा जी ओ बाबू खेले चले ओ बाबा जी ओ आदमी मुल्की हो चला भी बने बिगड़ जा आठ ओ उसके भी बने बिगड़ जा आठ और बैठी काट की बहल में वो लकड़ी जासे जान आदमी की कुछ भी ना गेन चले ओ बाबा जी ओ राम सुनमी महल में ईशन ताने पिया जी की अगती पेर चले ओ बाबा जी ओ हर के गुण गए सुबह शाम आज मेरे बने आज मेरे बने बिगड़े मंगे राम पानी चिकी जेल में रोज रटे भगवान ज्ञान की ते पर कह रेल चले खोल के बता की बात है सारी महाराज कितने साल हो लिए हमारी शादी ने बिल्कुल हमारा हाँ। कोई संतान नहीं है बस सबसे बड़ा दुख इसी बात का है फिर बाबा छोरे ले रहा है महाराज कोई आशीर्वाद दो ईसा कोई जड़ी बूटी दो कोई जो बालक हो जाए देखिए बेटी हाँ। मैं किसी का पतरा नहीं देखता हाँ। लेकिन तुम पे रहम खागे तरस खागे मैं तुम्हारा एक पतरा देखता हूँ क्या ये नौकुंडली है जिसे नौगृह बोल देते हैं हाँ। इनमें अपनी मर्जी दांगली टेक दे टेक दी ऐ छोरी हाँ। छोरे की बार देखा गोबर खाना ली अंगली टेक कौन सी टेकू महाराज चितली अंगली टेको बेटी लो जी चितली टेको आओ अर जा मील में एक ब्रक काल ताज फरक और आज आज की कैसेट भर के तड़केदार सरक अर जे बेटी आज भी तेरा ना काम पूरा हो जाएगा मारे गए तो हो जाएगा गरक बेटी तुम्हारे भाग्य में संतान है लेकिन तुम्हें कुछ कष्ट होगा बोलिए महाराज मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल तो मेरी बात सुनिए बेटी सुनाइए ए बोलिए भाई श्री ये तू तो अपने पति का ये ब्याह करवा दे या अगत बेले चलेगी ये थारे ये तेरे भी जब लड़का होगा वो राजा शादी करे दोबारे और बेटी
बेटी जो तुम्हारे भाग्य में संतान है उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? और जो तेरी शोक का लड़का होगा उसका नाम क्या होगा? उसका ही होगा। हे उसके उत्तम तेरे धू हो या जब फरकेगी तजा चुबारे तेरे भी जब लड़का होगा और बेटी सबका मालिक एक है। क्या ये उस तरह लोकी के परमेश्वर बिन डूबते ने कौन बार तेरे भी जब लड़का होगा राजा शादी करे दुबारे तुमने करना पड़ेगा। क्या ये जब थर अगत बेल चलेगी अपने पति में आप श्रृंगार तेरे भी जब लड़का होगा राजा शादी करे दुबारे ये संगी बोर ईसा फिर छाया ना बेटी वो कौन थे? कौन थे? गुरु मंगे राम तने पाया ना लक्ष्मी चंद ढूंढ लिया सारे तेरे भी जब लड़का होगा सुन लिया। तो ये काम आपका कहने का मतलब ये है मैं अपने पति की शादी दूसरी करवा दूं। दूसरी शादी करवाई आप जब कि मैं बात बनाई है। जी हाँ महाराज। हाँ एक बात तो बताओ। बोलो। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो कोई बात नहीं दो चार डब्बे चमन पराशे खिला दिए। ठीक है महाराज आप अपनी दान दक्षिणा ले जाओ। कोई बात नहीं हम तो कट्ठा पांदा बैठ कर गूंद खा जाएंगे। पांदा बैठ कर खाओगे? हाँ ठीक है महाराज। नारायण नारायण नारायण। समझो इव नारद मुनि कह के चला जाता है कि तू अपने पति का दूसरा ब्याह करवा दे दूसरी शादी होने के बाद तेरे भी लड़का होगा और जो तेरी सोकना होगी उसके भी लड़का होगा। समझो रानी अपने महल में बैठती है और उधर से महाराज दरबार को छुट्टी दे गए वहां से अपने रंग महल में आता है और आगे रानी उदास मिलती है तो क्या कहता है? रानी महाराज प्रणाम। रानी। हाँ महाराज। क्या बात आज तो बड़ी उदास दिखती है। उस महाराज सारी बात तक आपने फिर आना है मेरा क्या बता सकती है? हाँ जरूर बता दूंगी महाराज। मेरी बात सुनिए। सुनाओ। एक बात बता ये तेरे मन में कौन सा फर्क है और किस बात की वो है? किस बात की तकलीफ है आपको? महाराज तकलीफ जो है बस वो है तकलीफ। तो मेरी बात सुन पहले। आज आड़ा रोड़ा है मेरी बात सुन। हे रे ओ हे रे मन का दे दे बता दे रानी तेरा पूछे से भरता धरती के मां
बात बताइए महाराज। अरे लाल किरणी रानी के रते में जरा करे सरे दुनिया में के गलती करा करे से अरे अपने नसर की नजर आ गए रिते बढ़ाय करे से रे जो सच्चे प्यारे ओ समय के धोरा धराय करे अपना खोलिया
के रो लिया। बताओ किस अफसोस में है, किस चीज का फिक्र है महाराज? और क्यों इतनी उदास है, क्या बात है? अफसोस तो कुछ भी कोने महाराज, फिर ये उदासी का कारण क्या? एक ऐसा जी कर रहा है सजनो। रानी सोचती है अगर तू अपने पति के सामने पहले ही जिक्र करेगी ये शायद माने नहीं गा। वो दूसरी बात करती है रानी, अपने पति के सामने कहती है कि महाराज एक मेरी बात सुनो। क्या कहती है महाराज? हाँ छो मत नहीं आ जाओगे? अरे बात बता, छो मान की होगी तो छो में आया जाएगा ना? छो मान की तो कौन है? हाँ परमानेंट ड्रेस लग गया, कहते छो में आ जाओ। फिर बात बता क्या बात है? हाँ कह दूँ? कहने पड़ेगी, कह दूँ तो? कह दे, कह दे कती पलपला करके कहेगी। ओ मेरा घरा जानने, ओ जी कर रहा से मेरा ऐसा जी करे से किसा जुनू भाजगा अपनी माँ की कोली भर लो। कोली तू मेरी भर ले नहीं भगवान दिखा मान के धमाके बता रहे के बात से। ओ मेरा घरा जानने जी कर रहा से मन हो लिए सत्तरी सा उठे से साजन सो सो मणि की बच्चा को ना जिस ते जी लालू सारी चीज चाख रखीब के खालू ओ 15 दिन मैं उलटी आलू हो 15 दिन मैं उलटी आलू केल कड़े सबा सुबक सुबक कह मत ना रोए सुबक सुबक कह मत ना रोए मेरी गला चा We'll be right back.
गंगा जमुना तीर्थ कर लिए मन ना कहे सब क्या एक घाट देख लिए तेरे आके काम के रूप देख जाके काम के रूप देख जाके पंद्रह दिन दे में चल दी धर्म की खतरी एक पेड़ा क्या के ऊपर सजन करे मेरे योगेड़ा मंगे राम जमाना टेढ़ा हो मंगे राम जमाना टेढ़ा तारे बाल की हाल इतने दिन आड़ा आई ना होली आज तक इतने कदे नहीं कही कि मैं अपने घर आ जाएंगी आज तेरे मन में क्या रही सी सी बस महाराज जी एक रहा घर क्या और वो के थी गांव के देखा हुआ वो नू था गंगा जमुना तीर्थ कर लिए मना ना के अच्छा और सब क्या है के ठाट देख लिए तेरे आके अच्छा गांव के रूख देखे हूं जाके पंद्रह दिन देखा रूख देखना उठनी से रूख रास्ते आड़े भी बतेरे से महाराज गांव के रूख मेरी बात सुन ले मेरी बात सुन ले अगर तू तो चले गई मेरे कई राम खुए से के? मेरे हाँ। बुढ़ा मर्द ने वीर बनी सिर्फ दो ही टाइम चाहिए से कद कदे कौन कौन से टाइम बालकपन में दो माँ हाँ। और बुढ़ापे में वीर बनी अच्छा इब तू जा अपने घर चली गई तो मेरी आड़े कोनी तान बाजे मैं के महाराज उड़े जाके बैठ जाऊंगी के बेरा से तू रच जाऊ अपने कुंबे में आवे ना, ना दस पंद्रह दिन की बात है कोई घंटा दिखा नहीं मेरी बात सुन के जाइए फिर अच्छा Yeah.
जानती हूँ। जानती है? हाँ? कैसे जानती है? पत्नी का क्या फर्ज होता है? हाँ, पति बारते आवे सती ने, हाँ, वो शीश झुकाना चाहिए जी। अच्छा, एक बटे ना आ क्या करते याना शाना चाहिए जी। अच्छा, ओ अंतस मने बुद्धि बाणी से ध्यान टिकाना चाहिए जी। अच्छा, और अब जीम झूठ पति चला जाए उठ के पछे खाना चाहिए जी। फिर ब्याहे सजन के दोर सजनी
बेटी जानरी महल अटारी से यू मेरा नाना और यू मेरा मामा या मेरी मैं तारी से और यू मेरा सारा यू मेरा ससुरा या मेरी रिश्ते तारी से आँख खोल के देख लिया सब मानस की बीमारी से सारा तो नहीं फिर थोड़ा बहुत करेंगे रानी कह दिन में आवेगी 15 दिन में और ना मैं नहीं जान देता महाराज एक बात देखो 5 दिन तो जान के अच्छा और 5 दिन आन के और 5 दिन ठहरन के पहले हिसाब बनाई बैठी है तू तो और मेरी बात सुन ले 15 दिन का फल तू 16वां दिन हो गया ना ले गला ठीउड़े आ लूंगा मैं ना महाराज 16वां दिन कोने आउन दो आ देख रे भी जा बस है रहन देने जान देने महाराज अरे टाल कर दे ना ना कबो दिल्ली गेला चला जा केले काले दुआ गा जाइए सनो रानी अपने पति से हुक्म लेके और सीधी अपने पीहर में चली जाती है आगे अपनी माँ के साथ बात करती है दोनों माँ बेटी एक बात में क्या बातें करती हैं सुनिए सतवीर पोसरा से और शरीफ हड़वा से अरे मेरी माँ सके आइए मेरी बेटी आइए मेरी बेटी माँ हाँ बेटी अरे तू तो धनु की पड़ी जाइब और के बात से बेटी बता उम्र है मेरी हाँ माँ ठीक से ना तू भी ठीक से ना बेटी हाँ बिल्कुल ठीक सॉरी क्यों कराई है क्यों कराई है माँ मैं तो जो कर आई सू आई सू देख बेटी हाँ। तेरे देखते मैं कितनी खुश होगी कितनी मेरी बात सुन सुनिए सनो रानी की माँ क्या कहती है ये रानी भाई शरीफ बुलानिए से सुनना जरा लाड करूंगी आई से गाने दिन में तेरी शान देख के उठे डंडूले तन तेतन जन्म लिया से बंदी धर्म के डोरे तेरी शादी भी कर दी पिता भी कर दी शेर खड़ा था गोरे ये 14 साल रही मेरे दोरे मेरी माया बचपन में तेरी शान देख के उठे डरूरा तन में Thank you.
सी रचता अगे संसार बढ़े से ए जरज अंडज उद्भिद स्वेदजी सारा परिवार बदे से ये मात पिता व्यवहार बदे से जब बेटी बार ने जन्म तेरी शान देख के संग सूतर ओ से सती बुझले बात पति की प्रेम का पुत्र ओ से हे पति के भाग का पुत्र ओ से नुए भजन करे जापन में तेरी शान देख के जरूरी काम से आई हूं। क्या काम आई बेटी? हैं? क्या काम आई है? देखे कदे तू मने हुआ धक्का दे अड़ दे। देख बेटी पहले काम बता। हैं? जो तेरा काम है पहले काम बता। हैं? और फिर मेरे पास आम करवाइए। मां आ भरनी पड़ेगी देख। नू नहीं बेबे। और पहले अपना काम बता। रानी सुनीति अपनी मां के सामने अपना सवाल रखती है और क्या कहती और क्या मांगती है सुनिए जरा। तेरा मां ध्यान से सुनिए मेरी बात। पूरी गौर करके सुनिए बेटी तेरी बात। तेरी दसी बनके रहूं बाण में जाई मेरा रखिए तने चिन रख्या मेरे तन का कच्चा सूत थान बन रख्या तेरी इतना भारी कुटुंब तने चिन रख्या मिले बेटे बिन मने नरक कहे सुन रख्या भारी रखिए मान सो
कदे गाया ना, इतना भारी बोझ सी सिखाया ना। मन रज धरनी में धूम पूत जाया ना, कदेला चुची के थूक दूध प्याया ना। मेरी छोरी 16 साल की, क्यों कर कसाईया कटवा दूँ माँ? अरे नू निकाह करते ऐसा नहीं होगा बेटी। एरी मतना कड़े मतना कड़े, आँख घनी डरी जागी, सोमण पक्का शान तेरे धरी जागी, मले के झोली गली गली फिर जाएंगी, बेटे बिन मैं तड़फ तड़फ मरी जाएंगी री, बेटे बिन मैं तड़फ तड़फ मरी जाएंगी। मेरी कल्या को ना गूंद पंजीरी न खाई, तेरे बाबू की चाल है तो उसे बतला ले। जीवे मेरा बाबू। हाँ, एक बिहारी हक कर रखा से। ओ बुढ़े, ओ या छोरी यारी से, छोरी यारी से। हाँ, छोरी के थाने में ताई से। ओ बाबू, आए आए रोना है बेटी, मेरा भी कर्जा खड़ा हो से। बाबू ठीक से ना? ठीक ठाक, तू भी राजी से? हाँ खूब दाऊ राजी, बटे राजी से। बाबू मैं तो तेरे तो मिलना आई हूँ, मिलूंगी। डट जा भी, बल्टी लिया हूँ।
ओ बाबू तने शर्म नहीं आंदी क्या बेटियां एलआईसी से बात करा कर फिर तू को मिलन की मैं तो फेटना आई छू ना अच्छा वो कोली तो मिल लेगी हां ठीक के काम आई से बाबू काम तो मेरी माँ ने बता दिया मैंने ये बसला मेरा लो तुम अबुडिया हां बेटा ओ ओ जो बड़ा छोरा ना तेरी आवाज पे है अच्छा मैं जाए तो भूल में बोलेगी ठीक 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 ये छोरी का डोला मांगे से किसका महाराज उत्तान बात के छोरी नक्का डोला मांगे है हाँ छोरी का डोला ना दे दिए क्यों अरे छोरी हाँ बाबू तने मेरे साले की शर्म नहीं आई क्यों ओ बेटे वो तो डीटी 14 ट्रैक्टर है अच्छा और मेरी छोरी रो अंडा क्यों कर तड़वा दी कोई बात नहीं काल से ना मैं दे दूंगी क्यों कर देगी मारे कहे बिना हूं मैं दे देगी मेरी छोरी मैंने जाम रखी है दे दूंगी अच्छा तन्ने तो जाम रखी हम पागल है गूंज के पीपे तो मन्ने गलाए थे तेरे कोई बात नहीं मेरी छोरी मैं दे दूंगी क्यों कर देगी मैंने जाम रखी है अच्छा जा सुसरी दे दुआ ले हम तो नट देनी तने जा जा बेटी तेरा काम बन जाएगा बन जाएगा हाँ ले माँ मन ने भी अपनी बेबी का असली कड़ी ठोक दी से देखिए कदे और किए कुंगर के पर आ जा सजनो इमरानी पक्की बात जमा के अपने कुंबे में सारे दे मिल फेट के और अपने सासरे माती है महाराज उत्तान पाद के पास और सजनो पंडित मांगे राम का बनाया है सांग भाग नंबर एक यहीं पर समाप्त होता है और बाकी सांग आगे दो भागा में सुनना सुनिए साहिबान आपके सामने जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से पंडित मांगे राम का बना है मशहूर सांग ध्रुव भगत भाग नंबर दो आपके सामने सुना जा रहा है आज के हमारे मुख्य कलाकार बलवान सिंह धोरी व सत्य कथरुवाल और प्रकाश निडाने वाला शरीफ भुलानिया और जो जोकर का रोल है राजेंद्र सिंह धमाका और हारमोनियम मास्टर खासाब रिसाले क्लार्ट मास्टर राम किशन बयानियाला और ढोलक मास्टर कृष्ण भुटानिया और नकारे पर मीरा बिटाने वाला तो सुनिए भाग नंबर दो आपके सामने सुना जा रहा है इमरानी सुनीति सुनेतगढ़ से और अवधपुरी में आ जाती है आने के बाद अपने पति से बातें करती है और उधर से महाराज रानी की पूरी पूरी बाट देख रहा है आई नहीं भाई कई दिन हो लिए गई ने या नौ वाली गाड़ी भी काट दी उत्तराण ने आई नहीं राम लाग रही है महाराज नमस्कार ओ आगी और महाराज मैं बाट क्या ने दिखाऊं थी बाट कितना था पूरी बाट दिखा दिया मैं कती सूख लिया त्री बाट में ठीक है महाराज आगी मैं आगी हाँ। आगी तो अपने रोस और मौज मार और अपने मजे दे बुढ़ापे में पर महाराज इमरानी सोचती है अगर तू सीधी बात अपने पति के सामने कहेगी शायद काली मान जा रानी मीठी मीठी बातों में अपने पति से ब्याह का जिक्र करती है और क्या कहती है सुनिए एक बात महाराज मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूं छू आपसे हाथ जोड़कर और कितने जान की सोच रही है कही वे ना ना कितने जानती भाई और कितने की तैयारी कर लियो ना तो तरह धोरे रहूंगी फिर क्या बात है हाथ जोड़ने वाली कुर्सी बात है बात बता महाराज एक खास बात है खास बात और कोई मैं बाकी राख रही है मेरे दे हाँ। ले वो खास बात भी सुना दे ले महाराज मेरी बात सुन ले सुना दे Thank you.
लगता है कि मेरे कहे थे ब्याह करवा ले। ये पाछे धूल मिटोड़ेगा और तू मर गए मेरे सजन को किसके तड़वे रोड़ेगा। यानी तेरे मरने के बाद मैं दुखी हो जाऊंगा। घना दुखी हो जाएगा महाराज। इस बात का बेरा पहले तू मरेगी या मैं मरूं। महाराज तू तो अपनी करी से तू तो बनू बनू पड़ा है मेरे जन्म। अच्छा। तो नहीं रानी ऐसे नहीं हो सकता। पहले नंबर कौन सा दुख होगा दुख बता। सुनिए सुना ओ सुबह उठ के तदे जल में साजन कोने नुआवेगा तेरा हंडे चूने गला ढकनी में इस पे टूके पुआवेगा। अच्छा। और मुट्ठी भर के सेवा करके पलंग पे कोने सुआवेगा। अच्छा। आठ बजे सी बना रसोई भोजन कोने खुआवेगा। क्यों ओ मैं चली जा स्वर्गपुरी मैं चली जा स्वर्गपुरी में तू चारों कूड़े टटोड़ेगा। पकड़ जाएगा वो इतना कितना
कयोरी पकड़ी जागा। अच्छा तू बहरा हो जा, हो तू बहरा हो जा, तेरे दांत टूट जा और बच्चा जी होलेगा। अच्छा कुण सा बहु दिवादे जब तेरा नक्शा ढीला होलेगा। हाँ। उस दिन फुटे तेरा घूमड़ा पाक के लीला होलेगा, लक्ष्मीचंद गुरुजी के दौरे जबर वसीला होलेगा। अच्छा और मांगे राम मेरी बात ना उस दिन साची गोलेगा। अच्छा मैं मर गई तो मेरे सजन तू किसके तलवे गोलेगा। तेरा मतलब यूं सके मैं ब्याह करवा लूं। हाँ और को छोरा हो जाएगा यह बात है ना। और रानी छोरे तो सर कर्म के। अच्छा अगर कर्म होगा तो तेरे भी हो जाएगा। महाराज मेरा होना होता दीप्ति हो ना ले। रानी हाँ। मेरी बात सुन ले। सुनाओ महाराज। या तू अनसमझी कार कर रही है और छोटे दिमाग की बात कर रही है। महाराज छोटे दिमाग की कौन है ये बात है। तेरे सारी बात याद को ना मेरे ख्याल में। महाराज बहुत गहराई दे सोच समझ के जब मैंने यो कार्य शुरू कराया है। हेरे रानी तू कड़े के खिलावे गिलाली हेरे गल जागा सो की बुरी बद जा।
जाएगी? क्या हो जाएगा? सुन ले, क्या हो जाएगी बताइए। मेरी फस जागी जाने जो मेले में शादी मैं नहीं करवाऊंगा महाराज। हाँ। मेरी बात सुनिए और सुनाओगी कि मैं एक बात बता के? तेरे पास कोई आया था? आया था ना महाराज, जब बदरोड़ा हो रहा है। कौन आया था? मेरे पास आए थे नारद भगवान। ओहो, तू तो नारद की बुकाई मारी से। उसने कम भाई उसे बकाई भी इसे की मारी है जिसके घर में चिड़िया तक नहीं बांधी। रानी रहने दे, बाबे बुबे की बात नहीं मानना करते। महाराज बाबा थोड़ा है वो। और केस है वो? वो तो अंतरियामी है ना। अंतरियामी तो सैसे लेकर ही हो, खटे बया काम क्यों करवाओ सो। मेरी बात सुनो महाराज। बात सुनाओगी? सुना दे। ओ नारद के बोल, ओ मेरे I'm not afraid.
ब्याह करवाले तन की कली खिलेगी ओ मेरे कहे ते सारी बात नहीं सुना करते बुढ़ापा से अरवा नहीं से तन्ने तो खो जाएगा रानी तो घर की रहेगी गांठ की रहेगी तेरे दोनों दिन खो जाएंगे मेरे वाले दुख की चिंता ना करो यो काम तो करना ही पड़ेगा और चिंता तो मैंने तेरी है ना ना मेरी चिंता करने की छोड़ दो नहीं रानी मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करवाऊंगा महाराज वाला करवाना पड़ेगा नहीं रानी अरे मेरी उम्र तो देख ले कब तक केस है उम्र रानी मारी उम्र ब्याह करवाने की नहीं से और इस काम का तू ताला कर दे ना ना महाराज बिल्कुल मेरी बात सुन ले सुना को दुख हो जाएगा ना ना कोई दुख नहीं होता हे रमत ना करवा रानी ए
जाएगी, रे 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 दसी हो जाएगी, रे कितके लाड करेगी लहू का मैं ना लगू नहीं बहू का, ये मैं ना लगू नहीं बहू का। रानी महाराज ईब केसर फिर क्यों हो जाएगी, ये तू तो निर्मल दूध दूध का रानी, निर्मल दूध दूध का रानी लस्सी हो जाएगी। Hey, 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 hey.
की मोरे पकड़ा से धनी के बिस्तरे उठनी पंडित जी को बुलाओ।
सनापन दी फेरे करवाता है और किस्मत के साथ करवाता है। सॉरी की सवाई फेरे तो करवाओ वो बैठी मेंडे तड़े दरुड़ा की बिठा रखी कुत्ते चाट गए बे। ओ दादा ओए थारे छोरी ने तू थारी छोरी ढावो राम ओ कसोना बोला है कसोना क्यों कर बोला छोरी का मामा किस है छोरी का मामा मर गया जोर में डूब गए ले आ जा बेटी आ जा मामा मामा मर गया तेरा जोर में डूबगा फूफा लागू बेटी यार की का ठीक है चलो अरे बे आलो थारी छोरी ने की दरू अरे ने की ओट में है मुदी दरू सीधी ले बेटी आ आजा महाराज हाँ आजा ले तू भी आगे आज तले क्यों रखे है सारी उम्र तले रहेगा ऊपर ले मैं फेरे करवा दूं पंडित फेरे करवा दे तो सेठ देसी सेठ देई हाँ वो तो लगन है हाँ ओम गणितवान अधिपति अंगवा महे सूर्य देवता चंद्रमा देवता ओम देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता काला कुत्ता देवता हेलो काला कुत्ता देवता कैसे होता है काला कुत्ता देवता क्यों नहीं अश्विनी सतम आवक नहीं या और सारी माता बहन माता तो कौन जा है और उन्हें माता ने दलिए तो पूरे तो सारे ठाट तक ठोक जाऊंगी और फिर गा मदद चलेगा कालू कुत्ता और जागे उस सारा माता का राशन खा के और चल दिया ना माता का ठाकर टांग खुला करवा दे है गरी देवता। अच्छा नूस है ले भाई वो आखिरी मंत्र है हाँ बोल दे इसमें सूर्य का ग्रहण और इसमें अग्नि लोक के श्लोक बोले जाएंगे बोलो महाराज ओम गणतमान अधिपति अंगवा महे सूर्य देवता चंद्रमा देवता ओम देवता ओ पंडित जी महाराज हाँ जी यह बैठ क्यों गई ये फेरे तो सिर्फ तीन हुए हैं बस जिन्हें रहना होगा तीन मरे लेगी ये कारण पूछो क्या कारण है बेटी क्यों बैठी पंडित जी बात ऐसी है हाँ। पहले तो बात ये है ये शादी के लिए मैं राजी नहीं हूँ और तुम्हें कहूँ साला में छोड़ेंगे अगर महाराज में शादी भी करवा लूँ है जो महाराज है हैं वो मुझे पसंद देंगे चार देखिए महाराज हाँ। मारी जो छोरी की ख्वाहिश है हाँ। असल में तो इसकी शादी करवाने का तबीयत नहीं चाहती अच्छा और तबीयत करे भी है हाँ। तो आप इसको चार वचन दीजिए चार वचन जी दीजिए अभी अभी तोले एक दो ये तीन ये पूरे चार मांगो क्या मांगती है पंडित जी बोलो पहला वचन मेरा ये होगा बोलो जो घर में काम होगा ए? वो मेरे से पूछ कर होगा देखिए महाराज हाँ। हमारी लड़की का पहला वचन ये है हाँ। जो घर में काम काज होगा अच्छा वो इससे पूछे बगैर नहीं होगा तने कटड़े के चिचड़ तोड़ने होंगे ठीक ठीक है इसके पूछे बगैर कोई काम नहीं होगा दूसरा वचन बोलो पंडित जी जी अगर मैं कहीं बैठी सहेलियों में तो जो महाराज है मुझे उठाएंगे नहीं महाराज जो अपनी साथ की सहेलियों में बैठी होगी अच्छा तो आप इसने ठाई हो ना चाहिए उड़े बसक जाओ ठीक है भाई और तीसरा तीसरा वचन बेटी पंडित जी हाँ वो वचन मेरा ये है क्या जो भी मेरे लड़का पैदा होगा जो राजपाट है उसको होगा वाले बेटी तूने क्या कह दिया सही कह दिया मैंने जो छोरी तेरी कुर्ता लगा होगा उसको राज तिलक होगा और जो छोरी तेरा होगा बंदरे ठीक है जी कोई बात नहीं चौथा वचन बेटी ठीक है मंजूर है मंजूर है चौथा वचन महाराज के पास में वो मेरा धरोहर है अच्छा ठीक है जी जीव तेरा जी करेगा जब ले लूंगी इसको मैं छोरी एक बात बता महाराज जा रहे हो बाहर हाँ। अचानक तेरा कर जा जी फिर किस मिलेगी ठीक है चलिए सनो रानी चार वचन मरवा लेती है राणा महाराज ने सोचा अगर तू वचन नहीं देगा पूरे तो मनवाड़े टाल कर दिया जानेगी अपनी गरज में चार वचन भर लेता है और वहां से चल देते हैं बाग में आ जाते हैं और वहां के क्या गति है तुमने कहा के हाँ जी जो ये डोले हैं जी ये कहां पर आ चुके हैं महाराज के नौलखे बागों में आ गए तो एक काम करो बोलो आप जाओ महाराज के पास ठीक उन्हें बुला के लाओ मेरे पास अच्छा भाग जा चुटकी बजा लगी है हाँ महाराज नमस्कार नमस्कार कैसे हैं महाराज देखिए आपको रानी साहब ने याद किया है इतना जल्दी हाँ छोटी रानी ने ठीक है चलिए आइए रानी साहब जी आ गए ठीक है आप जाइए महाराज को नमस्कार नमस्कार रानी हाँ जी बोलिए मैं किस लिए बुलाया हूँ क्यों बुलाया हूँ महाराज इसलिए बुलाए हो किस लिए जब शादी हुई हमारी हाँ तो मैंने आपसे वचन मांगे थे चार हाँ वचन मांगे थे है जी पूरे तीन ले चुकी हूँ मैं हाँ तीन ले लिए फिर बाकी एक और है ओ चौथा चौथा जी करता है मेरा जो वचन बाकी है हाँ। आप दीजिए मेरे को यहाँ पर अरे यही बाग में गरा दे चाले गरा हाँ घरे हाँ। किसका घरे आड़े लूंगी बूढ़े तेरा मैं बढ़ाऊंगी बना मेरे भतीजे आड़े लूंगी अरे नो क्यों कर बदलाने लगी रानी साहब कहते मेरा वचन दे दे अच्छा और ना तो आड़े मरूंगी मरते हमने भी देखे किसनी करके मरते
बात सुना दे तेरी। भाई सुनिए सजना, ये छोटी रानी अपना चौथा वचन लेती है। ये रानी प्रकाश निडानिया और श्री भुलानिया दोनों से सुनना जरा ध्यान से। ओए तीन वचन मने पहले में ले लिए, बाकी एक वचन मेरा yeah।
सी तू बता मने इबे के इबे मने बता दे कौन पड़े शर्म तो मेरा सही को ना हां या तो मैंने देख ली हां सही नहीं ना कभी पक्की बे सही कुछ शर्मानी चाहिए आखिर इतनी बड़ी बाण से हैं तने जोड़ी करके मांग के लाई कोई बात नहीं बड़ी बाण के कुछ भी हो चाहे जो मैंने कहा ना बूढ़े तने करना होगा यो रानी ऐसा जुल्म मत करवाओ ऐसा ही होगा जी मैंने कह दिया अरे के मैं नवे बार देखू था तेरी क्या की रानी ऐसा जुल्म नहीं चाहिए तेरे को जुल्म क्या इसमें मेरी बात सुन पहले तू गणी बात बना ला बुढ़े जो काम मैं कहूँ कैसे कर दे ना तो बाग में तेरी नेल बना दूंगी आड़ में यहाँ तो जसकी मेरे हाँ देख ले रेल भी बिना कोलेगी समझ गया हे रसने ते गणिते डोले आगे अरे मैं जानू था दिल सोले आगे अरे उम्र पुरानी डोले आगे जात बिगाड़ेगी जात बिगाड़ेगी उम्र पुरानी डोले आगे
मैं जो बात कहता हूँ तेरे कोई ना की अखी नहीं है। अरे दोन सी बात बूढ़े मैं कहूँ दिमाग में बैठी तेरे अरे मेरी बात क्या करने अखीन क्या है ओके अपने पति में लोली अरे ओके अपने पति में लोली अरे तीन बचने तन मेरे ले लिए मफी करने भतेरे ले लिए पंचा के माँ तेरे ले लिए वा रात बिगाड़ेगी रात बिगाड़ेगी अपने मन में सोचती है एक बात और क्या कहती है सुनिए ओम बुढ़े के संगी ये
सुने सुने मेरी कोणी सुनेगा बात चमेली समाप्त होता है और बाकी सांग तीसरे भाग में सुनना। सुनिए आगे। सुनिए साहबान, आज आपके सामने जगदीश केशन कंपनी की तरफ से पंडित मांगेराम का बना हा मशहूर सांग उत्तान पाठ भाग नंबर 3। और आज के हमारे मुख्य कलाकार बलवान सिंह धोरी बुटानिया और सतवीर सिंह पोसरा कथुरवाल, ओम प्रकाश निडानिया और शरीफ भुलानिया, राजेंद्र धमाका, रिसाले बुआनिया, राम किशन बिहानियाला, कृष्ण बुटानिया और मीरा बिटानिया। सुनिए इमरानी छोटी रानी राजा उत्तानपाद के सामने क्या कहती है। रानी हाँ महाराज, तेरे को इन बातों में शर्मानी चाहिए, आखिर में तेरी बड़ी बान है। अच्छा, तेरे को मायके ले आई है। हाँ। अपने सी बात नहीं चाहिए। और वो महारानी है। ओ महारानी है। अच्छा, वो तो महारानी है। हाँ। और मैं कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, तो भी रानी है। फिर एक काम करे। ओ क्या? जो तेरी महारानी है ना। हाँ। कर ले तू। क्या कर दूँ? मेरी बात सुन। सुना महारानी ने सिर पे धर ले अपने घर गिर जाएगी सारा शहर कड़ा देखे में हसी का
है नहीं क्या उसका? मैं उसका साची। मैं तो कौन है? तू साची नहीं है। तू कर रही हूँ। क्यों नहीं सर? सुन मेरी बात। वो देखे तू ते उसका, वो सजी से परी, मैं ते सजी को ना सू। Let's
मिसाल है। कौन सी बला? सुनिए कौन सी? एर ऊंच का पानी सदा झील में एर अपे पहाड़ करे से रे जिसके लगे एर चोट जिगर पे अपे सहार करे से रे तू बिना होने का काम करावे एर यू दुख नया करे से जितना छोटा एर उतना खोटा या दुनिया का करे से खेल चल जाएगी
मारे बुढ़े बारे फिर नारी कर दूं मन करके फैले साल जागी इरे मन मरते इरे ब्याह करवाया मेरे अगते मेरे साल जागी काम करे के? गणी बाग मतना मिलावे अच्छा जो हमारी सोख से हाँ। उन्हें बाग में बुला अच्छा संतरी को भेज ठीक है हाँ। बुला उन्हें शेर देसी क्यों संतरी जाओ जो बड़ी रानी है आजी। उसको कह देना कि जाओ तेरी छोटी बहन का डोला रहा है अच्छा और उससे मिलेगी और अर्था कर लेगी उसका अच्छा जी मैंने कहा रानी साहब नमस्कार आइए संतरी कैसे आए राजी कुछ ठीक ठाक आगे ठीक ठाक आगे आपको हाँ। आपकी बहन ने बागों में याद किया है बागों में जी क्यों यहाँ नहीं आए डोले बस कुछ गड़बड़ सी है ये बात है बेरा नहीं उड़े लग रहा बेरा गड़बड़ का दे अच्छा हाँ चल दो आ जाओ चलो महाराज नमस्कार नमस्कार ये रानी साहब आ चुकी है रानी आ गई प्रणाम महाराज प्रणाम यात्री छोटी बेबियारी से हाँ और इसे बता ले इसका अर्था उर्ता कर लेके याद है कि मैं आकड़ी खड़ी है तू आखिर तनदन कि मैं कह दिया मने ताई कुछ नहीं कहा से हैं मने ताई कुछ नहीं कहा लग गया तो ईसाई है कुछ ना ना हैं लाल हो रहे हो दोनों लाल क्यों हो रहे या केड़ा मांगे थी इसके दौरे था कौन हाँ बहन नमस्कार नमस्कार राम राम तेरी होली भाज जाते बदमाश रांड के बात है आए हाँ शर्म नहीं आई तूने भाई रोई लंबे पछाड़ी तू आए के हो गया ऐसा के हो गया तन्ने मेरा ब्याह करा बूढ़े के लिया शर्म नहीं आई बूढ़ा लग गयो और जवान सही हो यो तेरा तंगा तोड़ देगा इसके मुंह में दांत नहीं जाड़ नहीं है मेरी बात सुन तू खड़ा कर बूढ़ा बूढ़े उड़ा आजा आगे आजा मेरा दोरा ए मैं तेरा करने यार ताई आई है बाण मां की जाई मेरी दुर्दिन की देखी भाली मेरी दुर्दिन की देखी भाली काली आंख गालेरी शाही है मेरी शोक शर्म ना आई हे मैं करण यार आई ए बहन मां की जाई ए खड़ी बुढ़बेरी सी हल्ले हे बेबे तू क्यों ना घर ने हे बेबे तू क्यों ना घर ने चले ए पितस गले मुंह दिखाई है बाण मां की जाई ए मैं करने आरता आई है बाण मां की जाई आड़े तू कावती की खांड पलगी मैल बीच में साने आड़े तो हम तन भी बना देंगे साने अट बुढ़ी रांड लुगाई है नी सोख शर्म ना आई ए मैं करने आरता आई है लावे क्यों चोपड़ चोपड़ बात सिंगरी महल बीच दिन रात ये सिंगरी महल बीच दिन रात इतने मुंह पे नाथ सजाई बाण मां की जाई ए मकरण यार ताई बाण मां की जाई एक काम करे डो मन्ना आर ता बुड्ढे तू मन बोलो ना बीच में मैं नहीं बोलू चुप रहो एक काम करे तो बोलूंगा जो तेरा आरता ना यो हां उखड़ा तेरा बुड्ढा दफा कर ले इसका चल भाग यहां से युगड़ा सामने तेरा पप्पू आई नहीं बात उससे नुक कर बोले तू तू उल्टी ना बोल ले जावले चल देड़ दे अरे तू देखी मैं घड़ी घड़ी बोलना जी महाराज रानी मां छोड़ू लड़ो मन्ना महाराज या के कहवस है के कहवस है बुड्ढे वाह ये बात कर दे अरे लड़ा नहीं करते ओ काम कर दे महाराज कह देने के कहस है देख ले या तो वो कह रही है या जुड़ सा काम मैंने बताया था काम तुम में लाया था तो ही नो कर दे रहन के दे कर दे काम ने ना ना देख ले चावा अरे जाता पाछे देख ले हां
साडा देख लिए ओ तेरी देन दूरी मारी वो काहे की लड़ाई ओ जीने दे जालिम क्यों मेरे शीश पे चढ़ाई तने जालिम क्यों है अरे पप्पू पुराना तो मेरे भी चचगी बताऊ हाँ बता ले बुढ़े ने याद चौदह चौकस जचली आनंदी सब छूटली मेरे पिया जी बदेरे न टेम पण मैं स्वर न लूटली आइए 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 आइ
या तो मेरे बस की नहीं, पर तन्ने तो सीधा कर दूंगी मैडम, बाद में देख ली। हाँ महाराज एक काम करी, इस दौड़ी दौड़ी में मेरे तो ही दे दे किस्ता का ऊपर ले ले। रे जाति बिगाड़ी ए भाई रोई, तेरा लोग रो पड़ा तो दीराने गला तू रोले इसके जाति बिगाड़ी। रे तो बदमाशी लुगैया ने भाई बड़े बड़ा के सिर कटवा दिए इन मासू के कसैया ने, इन मासू कसैया ने। अरे माँ की गेला बैर बना दे जब नाश करण की धारे से, बाकी गला बैर बना ले जब खोटी बात बेचारे से, खोटी बात बेचारे से। और भाई गला बैर बना दे ये खसम की इज्जत तारे से, अरे सब झगड़े ने दूर हटा दे टक्कर मारे से, टक्कर मारे से। ब्याह एक टक्कर मारे से, अरे सो सो को से दूर के कर दे, अरे सो सो को से दूर के कर दे, मां के जाए भैया ने दूध पिलाया ने बड़े बड़ा के सिर कटवा दे, इन मासूम का कसाया ने तेरी
के डकाए डोलाका आज पर्दा पास बना दिया तुमने कह मंगे राम जमाना डोबा बात कैसे ना हाँ। वो मुझे मंजूर है मंजूर है हाँ बिल्कुल तो सुन ले भी इसका कहना तो ये है कि इसको दुहाग दे दे दौड़ा बाना होगा हाथ में बांस होगा और अलग से दुहागी महल होगा अपने का गुडा मौज मार एक दही का माठ भरवाया जाएगा ठीक है महाराज कोई बात नहीं और ये हाथ श्रृंगार तार दे तार दिया लवरेंद्र दे दे दिया हाँ चल चलो बड़ी रानी को दुहाग दिया जाता है उधर से छोटी रानी की राजपाट में चलने लगी रानी दुहागी महल में जब जाती है तो अपने पति के सामने एक बात में क्या कहती है सुनिए बहुत से भाई सत्य ओ तेरा ना दोष मेरी नणदी के भाई हो Yeah.
सजनो रानी द्वागी महल में चली जाती है। ये महल पर खड़ी खड़ी काको को उड़ाती है और एक बात में रानी क्या कहती है सुनी। अरे पुराने जमाने को, उधर से नारद मुनि का फिर रानी के पास दौरा हो जाता है। रानी को देखकर नारद मुनि एक बात में क्या कहता है, नारायण नारायण नारायण।
लिए मुंडे काले मुआले बेटी क्या बात हुई इधर रोक काटा मेरी जन्नत ने घबरा गई बेटी घबरा गई के थोड़ी सी ऐसा नहीं बेटी जो तुम्हारे दुख के दिन थे हाँ वो जा चुके हैं और सुख के दिन अब आ चुके हैं अच्छा हाँ ऐसा कुछ है हाँ ऐसा कुछ है आज आधी रात के समय हाँ तुम्हारे पति तुम्हारे पास आएंगे हाँ और क्या क्या करेंगे क्या क्या करेंगे ले सुनो ये आधी रात सकरते डलते आवेगा भरतार तेरा ये माफी मांगे चोपड़ खेल वर कता बेदार तेरा गालरी से तेरी कप्तान देख देख छक्की मेरी गालरी से बावड़ती का फेरा से मरण की क्यों सालरी से एक की दिशा उतरगी तेरी बुद्ध की दिशा चालरी से वनम बिने धरू जन्म चाहो हो जब मेरा पार तेरा माफी मांगे चोपर खेले वचन देकर चला जाता है। राजा की अचानक तबीयत कर गई के जानो शिकार खेलने के लिए चले और अपने मंत्री से कहता है कि रे मंत्री हाजी आज मेरी तबीयत ऐसी करती है जानो शिकार खेलने के लिए चले जाइए महाराज क्या बात है
तुम्हारी एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? अगर गैर टाइम हो जाए तो ये फटक नहीं खोलनी है। तो महाराज यहाँ साइन कर जाइए आप। साइन कर दिए है, मैं भी क्यों ना हो, आप भी क्यों ना हो, गैर टाइम ये फटक नहीं खोलनी है। ठीक है महाराज। चलो राजा शिकार खेलने के लिए चला जाता। जंगल भैया बारमन निकल गया बहुत दूर। राजा को वहीं पर देर हो जाती है, उसको कोई शिकार भी नहीं मिला और आंधी तूफान आके राजा को बहुत देर हो जाती है। ये वापिस आया तो राजा का क्या कहना मानते हैं? क्यों रे डोडीबान? हाँ जी। ये फाटक खोलो। ये फाटक नहीं खुलेगी महाराज। क्यों भाई? क्योंकि आपके साइन है। आपने ये कह रखा है कि रात को 12 बजे से बाद में कोई भी आए हाँ। या मैं भी क्यों ना हूं, गेट नहीं खुलना चाहिए। फिर मैं कहां जाऊं? किसी के ईख में पड़ जा। ईख में पड़ जा झोटा सू मैं। कोई बात नहीं महाराज, एक काम करो महाराज। क्या? एक बात याद आई। ओ क्या? आप बड़ी रानी के पास तो आगे मेल में चले जाइए। अरे यार मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके पास? कोई बात नहीं, तोड़े नाट करके चला जाइए। ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। सजनो जाइए। राजा उत्तान पाद रात के समय दुआगन रानी के पास चला जाता है। शर्माता शर्माता चला गया। अपने पति ने देख कर रानी क्या कहती है एक बात में। हाँ रानी। ओ सुती उठ के देखने लगी साजने ओ दिए ते दिखाई अरे चुकरी आ गया
साहबान राजा महल में ठहरा और 54 साल की बाजी खेला, सुबेरे उठकर चला जाता है। भगवान की कृपा से द्वागी महल में द्वागी रानी का लड़का पैदा होता है, उधर से छोटी रानी का भी लड़का पैदा होता है। बड़ी रानी के लड़के का नाम धर दिया ध्रुव और छोटी रानी के लड़के का नाम धर दिया उत्तम। एक दिन खुशी का दिन था, लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा था उत्तम का। 5 साल के हो जाते हैं, एक ध्रुव भी दरबार में पहुंच जाता है। उसने सोचा कि चल तू भी देख का क्या प्रोग्राम है। इब जाकर अपने बाप के गोदाम बैठ जाता है और छोटी रानी जो उसकी मौसी थी वह उसके लात मार देती है। राजा उत्तानपाद गुस्से में आ जाता है और एक बात में क्या कहता है, अरे आत्मा परमात्मा ऋषि महात्मा बतावे ज्ञान, ध्रुव धर्म से दूर नहीं है अत स्वरूप मेरी संतान। पिता पुत्र में फर्क नहीं सब पत्नी पति परम परिवार, पिता बने जब पुत्र बनता पुत्र परम पिता का सार, पति बने जब पत्नी बनती पुत्र पिता का आज्ञाकार, भूत के मारे पिता के लगे लात रही से किसके मार। और ध्रुव उत्तम में फर्क नहीं है एक बाप की दो है शान, आकाश बना से जिसकी माया विस्तारी, अंत कर्ण मन बुद्धि चित अहंकार बने सबसे भारी, फिर वायु का प्रकाश होया जिसकी लीला सुन सारी, फिर ब्यान समान उद्दान प्राण अपान करे हरने जारी, जल के रूप चार संग मिलके फिर बना बुलबुला बेयुन मान। जिके पंचक ज्ञान इंद्रिय जो ज्ञान कराना जान रही, श्रोता त्वचा जिह्वा चक्षु धरना ठीक बखान रही, जल की बढ़ती कर्म इंद्रिय जो तन तंबू को तान रही, बच्चा पानी पैर सन और गुदा मैल को छान रही, पृथ्वी के शब्द सप्रुष रूप रसगंध जीव बना सबका प्रधान। एक जीव जीव ने जीव सतावे नु जीव जीवना चाहता है, जीव जिया करे जीव के संग में जीव जीव का नाता है, एक जीव जीव ने जीवन खातिर जीव जीव को खाता है, मैं पिता जीव यो पुत्र जीव तू जीव जीव की माता है, मंगे राम जीवना चावे जीव इतने भगवान। सुनो मौसी ने लात मार दी, ध्रुव भगत वहीं से चल देते हैं, नारद मुनि का चेला बन गया और जंगल बियाबान में पहुंच जाता है। ये जो आज ध्रुव तारा कहते हैं वो ध्रुव है। सुनो जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से ये सॉन्ग यहीं पर पूरा होता है और वन नगर खेड़े की जय।